सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज एक बार फिर से हम पोकेमोन हार्ट गोल्ड की अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले बार गाइस हमने हराया था पहले जिम लीडर फॉल्कनर को और हमें हमारा जिम बैच भी मिल गया था। वो ज्यादा डिफिकल्ट बैटल नहीं थी, पर गाइस आज हम जाने वाले हैं आगे अपने एडवेंचर में। देखते हैं आगे क्या होने वाला है। पिछली बार यार यहाँ से कोई चाइनीज लेडी थी जो कि कोई एग के बारे में हमसे बात कर रही थी, जो कि एग हमें मिला है, मिस्टीरियस एग। पर हमें यार यहाँ से जाना है। थैंक यू सो मच तुम सभी की कमेंट्स के लिए गाइस। मुझे बहुत सारी कमेंट्स आई थी तो मुझे ये चीज़ पता है कि मुझे कहाँ पर जाना है। और मुझे यहाँ पर यार एक एचएम भी मिलने वाला है और ये रहा यार बैज हमारे पास में है। तो चलो यार पहले वहीं चलते हैं। आई थिंक यहीं से रास्ता ऊपर से जाने का। यहाँ कहीं हमें यार एक एचएम मिलेगा। HM06 है आई थिंक, रॉक स्मैश, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। देखते हैं यार। ओके आई थिंक इससे बात करना है। Haven't you had trouble with a boulder blocking your way? ओके यहीं है गाइस, यहीं हमें HM देने वाला है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एडवेंचर के लिए। HM06 नाइस। तो हमें HM06 फाइनली मिल गया है, रॉक स्मैश। और यार मैं वहीं जाने वाला हूँ। पिछले बार जिस एरिया से यार वो लेडी गई थी ना, वहाँ से जाना आई थिंक सेफ होगा। और वहाँ पर मुझे लग भी रहा है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो चलो यार उसको पीछा करके देखते हैं। हो सकता है वहाँ पर हमें यार कुछ इंपॉर्टेंट मिल ही जाए, तो पहले वहीं चलते हैं। ओके वॉयलेट सिटी का रास्ता ये रहा जहाँ पर हमने बैच जीता था, और नीचे जाना है यार नेक्स्ट जिम बैटल की तरफ। और ये रहा एप्रीकॉर्न ट्री। और ये कौन से कलर का एप्रीकॉर्न है? देखने से तो येल्लो लग रहा है। ओके येल्लो एप्रीकॉर्न, हमें एक येल्लो एप्रीकॉर्न मिला है। और गाइस इन सभी की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है। एंड गाइस यार अभी मुझे पता है ना हमें इन एप्रीकॉर्न की जरूरत कहाँ पर पड़ेगी। बेसिकली यार इनसे कोई पॉकीबॉल बनती है, मतलब हम जो चाहे वो पॉकीबॉल बनवा सकते हैं इन एप्रीकॉर्न की मदद से, जो कि कट बनाता है। यहीं कहीं एक कट भी होगा, कट नाम का एक बंदा, तो वो हमें बना के देंगे पॉकीबॉल्स। कोई बंदे नहीं है वो, बेसिकली यार वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं और वहीं यार पॉकीबॉल को बनाते हैं, और उन्होंने ही यार GS बॉल को बनाया था। तो यार ये सच में बहुत ही मिस्टीरियस बात थी, मतलब बनाया नहीं था उन्होंने, उसकी रिसर्च की थी GS बॉल की, पर वो भी इस मिस्ट्री को नहीं सुलझा पाए थे। बेसिकली उसके अंदर सेल भी है, सभी को पता है। ओके ये कौन है? यू हैव सम गुड पॉकीमॉन देयर, इट मस्ट बी फ्रॉम द ट्रेनर, ट्रेनिंग यू गिव फ्रॉम देम। ओके गाइज आई थिंक ये कुछ हमें देने वाला है क्या? ये हमारी हेल्प करने वाला है, देखते हैं। ओके वॉलेट से टेक दिस, क्या देने वाले हो भाई? ओके गाइज इसने हमें कुछ ग्रास टाइप पॉकीमॉन के लिए दिया है, मिरेकल सीड। पर यार फिलहाल तो मेरे पास में ग्रास टाइप पॉकीमॉन नहीं है, तो मैं इसका क्या करूँगा यार? चलो अभी तो इसका कोई यूज़ नहीं है। ओके तो यहाँ पर बहुत सारे पॉकीमॉन से बैटल हो सकती है। ओके वूपर है ये, वूपर यार मैं पॉकीमॉन रख लूँ क्या? नहीं यार ये हमें टीम में नहीं रखना। मैंने वैसे गाइस डिसाइड कर लिया है यार मुझे कौन सी टीम रखनी है। थैंक यू सो मच यार, बहुत ही कमाल की पॉकीमॉन टीम तुम सभी ने सजेस्ट करी है। और यार ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों ने एक ही पॉकीमॉन को रखने के लिए टीम में बोला है, तो मैं उसे रख लूँगा। गाइस मैंने सोचा है यार मैं अब मरीप को अपनी टीम में रखूँ, क्योंकि मरीप यार काफ़ी अच्छा पॉकीमॉन है और यार वो इलेक्ट्रिक टाइप भी है, तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। पर यार मुझे पता नहीं है मरीप मिलेगा कहाँ पर, तो मुझे ये चीज़ कमेंट्स में बताना मरीप हमें कहाँ पर मिलेगा, और जब वो मुझे मिलेगा ना तो मैं उसे पकड़ लूँगा। ओके यहाँ पर यार बहुत सारी हमारी रैंडम बैटल्स हो रही हैं, तो मैं जल्दी जल्दी यार इसे स्किप कर देता हूँ। ओके गाइस तो हम यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर बहुत सारी घास थी जहाँ पर बहुत सारी रैंडम बैटल हो रही थी यार, हम इन्हें अवॉइड भी नहीं कर पाते, और रिपील की ज़रूरत ना तो बहुत ज़्यादा होती है। ओके यहाँ पर एक ट्रेनर है, तो मुझे यार आई थिंक इससे बैटल कर लेनी चाहिए और करनी ही पड़ेगी, मैं उसे अवॉइड नहीं कर पाऊंगा, मुझे ये चीज़ तो हमेशा से पता है। हमें यार ऐसा बहुत कम बार होता है ना कि हम किसी पॉकीमॉन को अवॉइड कर पाते हैं, तो इससे बेटर तो यही है यार हम इनसे बैटल कर लें और इन्हें पास करें यार, इससे हमारा लेवल भी जल्दी जल्दी बढ़ेगा। इसके पास में भी एक बूपर है जो कि लेवल 10 का है, और यार आई थिंक गाइस ये पॉकीमॉन ना वाटर टाइप है जहाँ तक मुझे याद है, तो यार इस पर ज़्यादा असर नहीं होगा एम्बर का, पर कोई नहीं। इसका एवोल्यूशन भी गाइस मुझे पता था कौन सा, पर मैं भूल गया, क्वैक सायर था आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद आया ऊपर का एवोल्यूशन क्वैक सायर है। क्या मैं सही हूँ यार? अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट्स में ये चीज़ कर देना, बता देना कि उसका रियल नेम क्या है, पर मेरे ख्याल से तो यार ऊपर ही था, ऊपर का एवोल्यूशन था क्या क्वैक सायर। हाँ ओके तो गाइस यार यहाँ मैं जल्दी जल्दी से ख़त्म कर देता हूँ, इसके पास में अच्छा हुआ सिर्फ एक ही पॉकीमॉन है जिसके बाद में हम आगे बढ़ पाएंगे। ओ भाई हमें काफ़ी सारी एक्सपी मिली है यार, वाह हमारा लेवल भी देख रहे हो एंग का गाइस काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। और यार बहुत ही जल्दी हम अपनी टीम में पॉकीमॉन्स को ऐड करने वाले हैं, कुछ एक या दो नए पॉकीमॉन्स हम रखेंगे अपनी टीम में, और मैंने डिसाइड किया है मैं कौन सा रखूँगा। ओके तो यहाँ पर यार पहले मैं इससे बात कर लेता हूँ, क्योंकि ये हमें एक फिशिंग रॉड देगा जहाँ तक मुझे पता है। ओके वुड यू लाइक टू वन ऑफ माई रॉड्स? ओके हमें चाहिए ना, ओल्ड रॉड मिली हमें एक, और बाद में सुपर रॉड मिलेगी। इससे क्या होगा ना, हम कोई भी वाटर टाइप पॉकीमॉन पकड़ पाएंगे कोई अच्छा सा,
पर यार फिलहाल मैं कोई ऐसा वैसा वाटर टाइप पोकेमोन नहीं रखने वाला हूँ, कोई स्पेशल रखेंगे। और मैंने सोच लिया है कौन सी मेरी पोकेमोन टीम होगी, तो हाँ ये पूरा डिसाइडेड है कि मुझे कौन से पोकेमोन अपनी टीम में रखने हैं। ओके, और देखते हैं यार वो कहाँ पर मिलने वाले हैं। गाइस प्लीज़ यार जब भी तुम लोग कोई पोकेमोन बताओ ना कि मुझे ये वाला रखना है, तो यार ये चीज़ बताया करना कि वो पोकेमोन मुझे कौन सी लोकेशन पे मिलेगा, क्योंकि यार उन्हें ढूंढना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और सबसे बड़ी बात ये है यार, मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग क्या करते हैं ना, रिफिल्स का यूज़ करते हैं। आगे यार एक केव है, चलो इसके अंदर जाके देखते हैं। आई थिंक यहाँ पर बहुत सारे पोकेमोन्स होंगे, ज़ूबैट्स और जियोडूड वगैरह। तो मैं गाइस सोच रहा हूँ यार एक जियोडूड फिलहाल के लिए अपनी टीम में रख ही लूँ, कोई बुरी बात नहीं है, काफ़ी अच्छा पोकेमोन है वो, तो मैंने ऐसा सोचा है। ओके, तो यहीं कहीं होनी चाहिए एक पोकेबॉल, तो ये रही। और ये है एक्स अटैक, ऊपर साइड से तो गाइस रास्ता मुझे नहीं दिख रहा, वहाँ पर एक ट्रेनर खड़ा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारी रैंडम बैटल मुझे होने वाली है मेरे से, तो चलो यार देखते हैं। मुझे वैसे यार ये पोकेमोन ना अपनी टीम में रखना है, तो मुझे लगता है ना गाइस मुझे एक जियोडूड ना अपनी टीम में रखना चाहिए, तो मैं इसे कमज़ोर करने वाला हूँ, उसके बाद में हम इस पोकेमोन को अपनी टीम में रख ही लेंगे। ओ भाई फेंटेड बस मत होना यार, नहीं हुआ अच्छी बात है। अब मैंने इसे पकड़ने वाला हूँ, ये कोई परमानेंट मेंबर नहीं होगा मेरी टीम का, पर फिलहाल यार मुझे एक पोकेमोन अच्छा नहीं लग रहा मेरी टीम में, मुझे लगता है एक या दो पोकेमोन होने चाहिए, तो फिलहाल हाँ मैं इसे पकड़ने वाला हूँ। ओके नाइस, बस पकड़ने आने ही वाला है। ओ भाई थोड़ा सा और, हाँ फाइनली गाइस हमारी टीम का एक नया मेंबर जियोडूड। ये ज़्यादा ही अच्छा पोकेमोन तो नहीं है, कॉमन सा है, पर हाँ फिलहाल ये काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है, क्योंकि मैं इसकी ट्रेनिंग भी करवा दूंगा, जिससे यार इसका काफ़ी अच्छा लेवल भी हो सकता है। हमारे पास में फायर टाइप पोकेमोन है, तो इसकी ज़रूरत फ्यूचर में होगी। और मैं इसे क्या नाम दूँगा, इसमें सोच रहा हूँ ना, इसे नाम दूँ एक रॉकी, नहीं यार इसे कोई अच्छा सा नाम देना चाहिए मुझे, जियोडूड से क्या आता है नाम, कोई गाइस बढ़िया नाम, सॉलिड, हाँ यार मैं इसे सॉलिड नेम दूंगा, क्योंकि ये सॉलिड है पूरा, रॉक जैसा, रॉक ही है वो बेसिकली, तो मैं इसे सॉलिड नाम देने वाला हूँ। वहाँ पर यार कितने सारे पोकेमोन्स थे, रियली ज़ूबैट ही ज़ूबैट हैं, और ज़ूबैट और जियोडूड वगैरह। चलो यार यहाँ पर रिपील का वर्क ख़त्म हो गया, यार सुपर रिपील्स मिलनी चाहिए या मैक्स रिपील्स, हमारे पास में बेकार से रिपील्स है जिन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं यार, और अवेकनिंग भी मिला है हमें। चलो यहाँ से बाहर चलते हैं गाइस, फाइनली यार हम केव से बाहर जाने वाले हैं, वाओ फाइनली हम निकल आए हैं। ओके, यहाँ से भी कोई है, नीचे एप्रिकॉन्स हैं, तो हम पहले ले लेते हैं इन एप्रिकॉन्स को, क्योंकि इनकी ज़रूरत बाद में पड़ने वाली है, कट हमें पॉकीबॉल बना के देगा, तो मैं इनको बहुत जल्दी कलेक्ट करने वाला हूँ यार, जिससे हमें फ्री में पॉकीबॉल्स मिलेंगी, और इससे काफ़ी ज़्यादा मनी भी बच सकती है, काफ़ी ज़्यादा पैसे बचेंगे हमारे बेसिकली यार, जिनको हम रिपील्स में खर्च करेंगे। क्योंकि ना यार मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है रैंडम बैटल से, और यार मुझे तो मैक्स पोशंस वगैरह की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हम उनका यूज़ बहुत ही ज़्यादा कम करते हैं। सो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं एजिलिया टाउन, और यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, वो आर यू, यू डोंट नो अस, नहीं यार हम नहीं जानते, वी आर टीम रॉकेट, ओके व्हाट, वी ब्रोक अप अ वाइल अगो, बिल्कुल, गिव मी अ ब्रेक, वी हैव नॉट ब्रोकन अप, एक्चुअली वी डिड वंस, बट वी कम बैक टू पर्स जियोनी एम्बिशंस, ओके इनफ टॉकिंग, शट अप एंड जस्ट बीट इट। ओके गाइस, तो यहाँ पर टीम रॉकेट वापस आ गई है यार, वाओ एमराल्ड के बाद, अच्छा हाँ यार ये तो पोकेमोन फार रेड के बाद की स्टोरी है। नथिंग इज गोइंग ऑन, इट्स अनसेफ टू गो इन देयर, सो आई एम स्टैंडिंग गार्ड टू मेक श्योर पीपल डोंट वांडर इन, अरे हट जा रास्ते से भाई, हट जा वरना ना अभी, चलो यार इसे बाद में बताएंगे ना जी, अभी जितना ज्यादा सामने खड़ा है ना हमारे छोटे बच्चे को देखकर 10 साल के बीच में खड़ा हो गया है स्लोपोक वेल, अच्छा ये है कोई स्लोपोक वेल, और स्लोपो के ओवासी लेने से यार यहाँ पर शहर में रेन आती है इस गांव में, और 400 साल से यहाँ पर सूखा पड़ा है, क्या रैली यहाँ पर यार, मतलब यहाँ पर स्लोपोक है ही नहीं, पता नहीं कहाँ पर चले गए हैं, आई थिंक यार वो लोग वेल में ही होने चाहिए, मतलब कुएं के अंदर। सबसे पहले तो यार मैं यहाँ से अपने पोकेमोन को ठीक भी कर लेता हूँ, उसके बाद में चलेंगे। तो ये गया हमारा पोकेमोन पोकेबॉल के अंदर, और यार मैंने इसके बारे में पहले भी बात करी है, मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, मतलब थोड़ी बहुत नहीं पूरी ही नॉलेज है स्लोपोक के बारे में, क्योंकि यार पोकेमोन की हिस्ट्री में भी इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी। तो आई थिंक यहीं कहीं उनका काम भी होगा एजिलिया टाउन में, और एजिलिया टाउन ही तो था यार जिस जहाँ पर स्लोपोक्स यार इनका नाम कितना अजीब है ना, स्लोपोक्स, ओके पोक पोर्क और पोक, ओके चलो यार यहाँ से सबसे पहले तो मैं रिपील्स वगैरह ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे रिपील्स भी चाहिए हैं, यहाँ साइड में होंगी रिपील्स, ये रही यार सुपर रिपील्स दो ना यार, सिंपल रिपील से काम थोड़ा ना बनने वाला है। यहाँ पर आई थिंक मुझे वेल में जाना होगा, पर फिलहाल तो वो सामने खड़ा है यार 10 साल के बच्चे को,
देख करना, अभी वो जितना बता रहा ना हम इसे बाद में बताएंगे कौन है हम। ओके सबसे पहले गाइस मुझे पॉकीबॉल भी चाहिए है, क्योंकि यार मैंने सोच लिया है मेरे टीम का एक और मेंबर कौन सा होने वाला है। चलो यार पॉकीबॉल्स वॉकीबॉल्स ले लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे। ओके तो अब चलते हैं अंदर। ओके तो गाइस सबसे पहले यार मुझे कहाँ पर जाना है देख लेते हैं, इनसे बात बात करके देखते हैं घरों में जाके, हो सकता है कोई नॉलेज मिले हमें। वेयर ऑल द स्लोपोक गॉन, आर दे आउट समवेयर। ओके ऑल द स्लोपोक हैव डिसअपीयर्ड फ्रॉम द टाउन, द फॉरेस्ट प्रोटेक्टर मे बी एंग्री विद अस, इट मे बी द बैड ओमन। नहीं यार बैड ओमन तो नहीं है, आई थिंक गाइज वो सारे स्लोपोक्स यार उसी के अंदर होंगे, उस वेल के अंदर, मुझे नहीं पता, पर फिलहाल तो वो शहर से गायब हैं। डिड यू मेक कम टू गेट, अच्छा यहाँ पर कल्ट भी है यार, इसी अजेलिया टाउन में कल्ट भी है, तो चलो यार चलते हैं। जैसा कि सभी को पता है अजीले टाउन में कट रहता है, तो कट का घर कौन सा है यार, आसपास तो नहीं लग रहा, मुझे नीचे जाना चाहिए क्या। यहाँ पर देखते हैं कट का हाउस कहाँ पर है सबसे पहले, और यहाँ पर टीम रॉकेट भी खड़े हैं। ये आई थिंक जिम है, इससे बात करके देखे क्या। ओके मैं इससे बात करके देख लेता हूँ। कट थ्रू एलिजी अब कुछ नहीं बोल रहा, ये तो कुछ भी नहीं देने वाले हैं, और इस वाले घर को चेक कर लेते हैं इसका नाम। ओके ये रहा कट का हाउस, तो आई थिंक यहीं कहीं होगा, कट इसी के अंदर होना चाहिए। चलो यार चल के देखते हैं। ओके वो आर यू, यू वॉन्ट मी टू मेक सम पॉकीबॉल्स, सॉरी बट दैट आई हैव टू वेट। क्यों, डू यू नो टीम रॉकेट, डोंट वरी आई टेल यू एनी हाउ, टीम रॉकेट्स एन ईविल गैंग दैट यूजेस पॉकीमॉन फॉर देयर डर्टी वर्क। इतना तो हमें पहले से ही पता है, दी आर सपोज टू हैव डिसबैंडेड 3 years अगो। अच्छा 3 साल पहले टीम रॉकेट गायब हो गई थी। एनी वे दे आर एट द वेल कटिंग ऑफ स्लोपोक्स टेल फॉर सेल। क्या, आई एम गोइंग टू गो गिव देम अ लेसन इन पेन, हैंग ऑन पॉकी। ओ भाई ये क्या हो रहा गाइस, उस कुएं के अंदर है ना जो टीम रॉकेट है, वो लोग स्लोपोक की यार पूछ को काट रहे हैं अपने बेचने के लिए मार्केट में। यार ये तो सच में बहुत ज्यादा बुरी बात है यार, वो लोग स्लोपोक की पूछ को काट रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं यार वो लोग। सच में यार ये बुरा प्लान है, मुझे नहीं लगता था यार टीम रॉकेट इतनी ज्यादा बुरी है, पर वो लोग यार सच में ज्यादा बुरे निकले। और यार मैं उन्हें रोकने वाला हूँ यार, मुझे ना अब उन्हें रोकना है, अब तो मैं उनकी पिटाई करने वाला हूँ बहुत जोर वाली। ये हे देयर हनी द गार्ड अप टू। ओके ये यहाँ पर क्यों है, अच्छा इन्होंने उन्हें उसे चिल्ला दिया तो वो वहां से चला गया, वो गार्ड क्योंकि खड़ा हुआ था इनके चिल्लाने से, और इनकी पीठ में अब दर्द हो रहा है ना, तो ये यहाँ से हिल नहीं सकते हैं, और अब हमें ही रोकना होगा। हाँ इतना तो मुझे पता था यार, सब कुछ तो हमें ही करना है, तो चलो यार चलते हैं अंदर। और यार ये सच में बुरी बात है यार, वो लोग स्लोपो की पूछ वूछ को काट रहे हैं यार, ये सच में बुरी बात है यार, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है इसे सुनकर। चलो अंदर चलते हैं। ओके यहाँ पर हमारी पहली बैटल होने जा रही है टीम रॉकेट के मेंबर से। यार मैंने इसके बारे में सोचा ही था कि यहाँ पर अगर टीम रॉकेट है तो ऑलमोस्ट हमारी बैटल तो होने ही वाली है, अच्छी बात है, इससे हमारा लेवल भी बढ़ेगा ही। चलो इनके पास में देखते हैं कितने लेवल के पॉकीमॉन्स हैं। और गाइस पता ना मुझे एक चीज लग रही है, इन्होंने बोला था 3 साल पहले टीम रॉकेट रुक गई थी, मतलब टीम रॉकेट यहाँ से गायब हो गई थी, पर वो कैसे हुआ था। आई थिंक यार टीम रॉकेट अगर 3 साल पहले गायब हुई थी तो आई थिंक ये रेड ने ही किया होगा, जहाँ तक तो मुझे लगता है, क्योंकि यार इससे पहले पॉकीमॉन फायर रेड की स्टोरी थी और फायर रेड में ही रेड ने उन्हें भगाया था, तो आई थिंक यहाँ पर रेड की ही बात हो रही थी, रेड ने पिछले 3 साल पहले से भगाया था, और ये 3 साल बाद की स्टोरी है। तो यार मेरे ख्याल से तो जो रेड है वो गोल्ड से 3 साल बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब गोल्ड अपनी जर्नी से निकला है वो 10 साल का है, और जब रेड अपनी जर्नी से निकला था वो 10 साल का था, और अब 3 साल बीत चुके हैं, और करेंटली गोल्ड मतलब 10 साल का है, और जो रेड है वो 3 साल बड़ा है जो कि 13 साल का है। तो यार ये सच में इंटरेस्टिंग फैक्ट है। चलो इस गेम से ये चीज़ तो पता चली एक और, कि गोल्ड जो ट्रेनर था वो रेड से 3 साल छोटा था, और यार ये काफ़ी कमाल के फैक्ट है। ओके चलो गेम से यार कुछ ज़्यादा सीखने को मिलता है, तो मैं यहाँ पर गाइस यार इन सभी बैटल को स्किप करने वाला हूँ। सो यार हमने तीनों को हरा दिया, दोनों को मतलब, अब ये थर्ड वाला तो ये रहा प्रोटोन, और ये प्रोटोन है कौन। आई एम ऑफेंडेड लेबल्ड एज अ स्कैरिएस्ट एंड क्रूलेस्ट गाय इन टीम रॉकेट, आई स्ट्रांगली आर्ग्यू यू नॉट टू इंटरफेयर विद अवर बिजनेस। क्यों नहीं करेंगे यार, तुम लोग यार इतना गलत काम कर रहे हो, ये सच में बुरा है यार, और मैं तो इसकी बैंड बजाने वाला हूँ पूरी तरह से। मुझे ना इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, इतना तो मुझे यार कभी टीम रॉकेट के ऊपर गुस्सा नहीं आया, मतलब मुझे कभी टीम रॉकेट बुरी ही नहीं लगी थी, बस मुझे जियोवानी भी उतना बुरा नहीं लगता था, पर जो बाकी के लोग हैं ना यार टीम रॉकेट के, वो मुझे बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। पर जो हमारे तीन हैं जेसी जेम्स और म्याउथ, यार वो तो मेरे फेवरेट हैं, फेवरेट मेरे विलेंस हैं वो आज तक के सभी सीरीज़ में, काफ़ी कमाल के हैं यार, फनी भी हैं, और उनका दिल यार उतना बुरा भी नहीं है, वो लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, उन्होंने कई बार यार काफ़ी ज़्यादा अच्छे काम किए हैं ना,
पर उनके मुकाबले अगर तुम कोई भी टीम रॉकेट के मेंबर को देखोगे तो वो लोग बहुत ज्यादा बुरे हैं। पर अच्छी बात तो ये है यार, उन सभी को रोकने के लिए हमेशा कोई ना कोई होता है। ओके, तो हमने इसे फाइनली हरा ही दिया, बस ऑलमोस्ट एक दो अटैक की और बात है, ये दो अटैक से तो नहीं गया था। ओके, फाइनल अटैक और हमने फाइनली इसे हरा दिया है। चलो यार देखते हैं कितना लेवल बढ़ने वाला है। एंका लेवल काफी अच्छा है फिलहाल, तो लेवल 20 में क्या ये इवॉल्व होगा? मुझे नहीं लगता यार थर्ड इवोल्यूशन इतनी जल्दी होने वाला है, कोई लावा है फिलहाल तो हमारे पास में। ओके, टीम रॉकेट वॉज इन नीड ब्रोकन अप 3 years अगो बट वी कंटिन्यूड। अच्छा, अवर एक्टिविटीज अंडरग्राउंड। अच्छा, इन्होंने अपना सारा काम अंडरग्राउंड कर लिया था जब ये हार गए थे, तो रेड से हारने के बाद में आई थिंक। ओके चलो यार, फाइनली हमने इन्हें रोक ही दिया और इनके बुरे काम रोक दिए। यहाँ पर दो क्यूट से स्लोपोक भी हैं। चलो यार, इनकी पूछ तो नहीं काटी उन्होंने। वे टू गो हनी, टीम रॉकेट हैज टेकन ऑफ, माय बैक्स बेटर टू। अरे यार, अब इनकी बैक ठीक हो रही है, मतलब ये नाटक तो नहीं कर रहे थे पीठ में दर्द होने का? मुझे तो लगता है यार इनके डर के मारे इनकी फट गई होगी और ये यहाँ पर नाटक कर रहे थे। यू हैंडेड योरसेल्फ लाइक अ सुपर हीरो। एज आई मेंशन बिफोर, टीम रॉकेट वॉज डिस्बैंडेड बाय अ बॉय कॉल्ड रेड 3 years अगो। ओ भाई पक्का यार गाइस, तो ये बात तो यहाँ पर कंफर्म हो गई है कि रेड ही ने रोका था 3 साल पहले। यार ये सच में कमाल की बात है, यहाँ पर रेड का रेफरेंस दोबारा हमें देखने को मिला। मतलब गेम्स की यार यही बात सबसे अच्छी है ना, कि स्टोरी पूरी की पूरी कंटिन्यू रहती है। वरना एनिमे में देखोगे ना तो वो रेड यार 3-4 बार ल्यूगा को देख चुका है, लेकिन हर बार देखता है तो ऐसा रिएक्ट होते हैं उसके जैसे वो पहली बार देख रहा हो, और बहुत सी बातें वो भूल भी जाता है। पर ये अच्छी बात है गेम्स में यार रेड के बारे में इन सभी को याद है कि रेड कोई था यार सच में। और यहाँ पर हमें एक एप्रिकॉन देना है, तो मैं कौन सा वाला एप्रिकॉन दूँ? आई थिंक ग्रीन वाला देना चाहिए मुझे, इससे कोई मिस्टीरियस सेंट बनेगी। चलो देखते हैं कोई मिस्टीरियस पॉकीबॉल मिल जाए। चलो दे दी हमने इन्हें पॉकीबॉल, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और ये मुझे उसका नंबर देने वाली है ग्रैंडपा का, अपना नंबर तो बात अलग है यार, ग्रैंडपा का लेके मैं क्या करूँगा। चलो ठीक है यार, मैं ले लेता हूँ क्योंकि इसकी हमें ज़्यादा जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है हमें कॉल करके बता दें कि पॉकीबॉल वगैरह बन गई हैं। और गाइज यार मैं सोच रहा हूँ ना, अगली बार देखो गाइज हम लोग यहाँ पे बैटल करने वाले हैं अजीला टाउन पॉकीमॉन जिम में बक्सी से, जो कि एक बग टाइप जिम लीडर है। पर यार उससे पहले ना, आज का एपिसोड एंड करने से पहले ना, मैं एक नए पॉकीमॉन को अपनी टीम में रखने वाला हूँ, तो सबसे पहले ना उसके पास में चलते हैं अपने नए पॉकीमॉन को अपनी टीम में ऐड करने के लिए। वो मुझे मिलेगा उसी केव के अंदर जहाँ पर हम गए थे ना, उसी वेल के अंदर, इस कुएं के अंदर। मुझे एक स्लोपोक चाहिए यार, वो काफ़ी ज़्यादा कूल पॉकीमॉन है, एक साइकिक पॉकीमॉन, तो मुझे लगता है ना मुझे एक स्लोपोक अपनी टीम में रखना चाहिए फिलहाल। तो तुम लोग बताना स्लोपोक अच्छा रहेगा कि नहीं अपनी टीम में रखने के लिए। तो अब मैं यहाँ पर यार जल्दी से एक स्लोपोक ढूंढ लेता हूँ। ओके सो गाइज, यहाँ पर यार हमें फाइनली एक स्लोपोक मिल गया है और मैं जल्दी से इसे कमजोर कर देता हूँ, उसके बाद में हम इसे पकड़ेंगे। इसे थोड़ा सा वीक कर लेते हैं वरना ये पकड़ में नहीं आने वाला है, लेवल 8 का ही है वैसे भी। ओके, इसने कर्ज का यूज किया, इससे क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं होगा, फटाक से हम इसे अपनी टीम में रखेंगे यार। और गाइज यार मुझे एक चीज बताना है, ये क्या टीम के लिए अच्छा होगा भी या नहीं, ये चीज़ मुझे जरूर बता देना। फिलहाल मुझे लगता है ना एक साइकिक टाइप पॉकीमॉन और एक वाटर टाइप भी है, ये साइकिक टाइप भी है, तो इसका यूज़ हो सकता है आगे चल के। ओके, तो मैं इसे सिंपली पकड़ने वाला हूँ, मैं पॉकीबॉल का यूज़ करूँगा, फास्ट बॉल बचा के रखते हैं, हो सकता है बाद में काम आए, लेजेंडरीज में यूज़ करेंगे हम उनका। ओके भाई आने ही वाला है, नाइस यार एक ही बार में आ गया, काफ़ी आसान था इसे पकड़ना। और मैं इसे कौन सा नाम दूंगा यार, कुछ इंटरेस्टिंग नेम देंगे हम इसे। चलो इसका डेटा भी ऐड हो गया हमारी पॉकीमॉन की टीम में और हमारे पास में फाइनली यार दो नए पॉकीमॉन्स हैं आज। ओके, इसे नाम देंगे ऑब्वियसली, मैं इसे नेम दूंगा एक अच्छा सा। और मैंने क्या सोचा था यार इसके लिए कोई नेम, ओके पी, और उसके बाद में मैं छोटे कैरेक्टर्स में कर लेता हूँ उसके बाद में। ओके पॉकी, पॉकी गाइस, पॉकी 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 काफ़ी क्यूट नेम लग रहा है इसका नाम, मैंने अजीब सा नेम दिया पर पॉकी। सो गाइस हम लोग उस केव से बाहर आ गए हैं नए पॉकीमॉन के साथ में। मैंने सोचा नहीं था यार मैं स्लोपोक को अपनी टीम में रखूंगा, पर ये काफ़ी कूल पॉकीमॉन है इसलिए मैंने इसे अपनी टीम में रखने का फैसला किया। एनीवेज गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी है यार, नेक्स्ट टाइम आगे बढ़ने वाले हम, तो तुम्हारे पास में अगर कोई टिप्स हो पॉकीमॉन के बारे में या कोई भी चीज़ के बारे में तो मुझे कमेंट्स में बता देना। और हाँ, जो भी चैनल को पहली बार देख रहा हो जाके सब्सक्राइब कर लो और भी पॉकीमॉन की वीडियोस के लिए। और हमारे नए गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जहाँ पर यार हम पॉकीमॉन के बाद में दूसरे भी गेम्स खेलते हैं जैसे माइनक्राफ्ट, GTA वगैरह, तो जाकर उसे सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट गेम प्ले में, तब तक के लिए गुड बाय।